अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। EIM के लेक्चर में सुबह 11 बजे से आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 11 बजे से नहीं हो पाया था, इसलिए 11:30 बजे से हो रहा है, लेकिन वैसे क्लास डेली 11 बजे से ही होया करेगा, तो आप टेंशन ना लो। तो किसी कारण से आज क्लास नहीं हो पाया था 11 बजे से, ठीक है, तो कल से डेली 11 बजे से होगा, तो कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं सब बता दिया है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे डिटेल में। मैंने आपको डिटेल में वो भी पढ़ा दिया है कि वोल्ट मीटर, अमीटर, वोट मीटर के बारे में। आज हम एक नए कंपोनेंट के बारे में जानेंगे जिसका नाम है एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर जिसका नाम है एनर्जी, एनर्जी मीटर के बारे में पढ़ेंगे आज। किसके बारे में पढ़ेंगे? एनर्जी मीटर के बारे में। एनर्जी मीटर एक ऐसा कंपोनेंट होता है, एनर्जी मीटर एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करता है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है इसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी ये जो दिख रहा है ये एनर्जी मीटर है, और ये जो आपके सामने है ये एनालॉग एनर्जी मीटर है। कौन सा है? एनालॉग एनर्जी मीटर है ये। कौन सा है? ये एनालॉग एनर्जी मीटर। तो एनर्जी मीटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डिजिटल, एक होता है एनालॉग। दिक्कत क्या है कि आप लोग सोचेंगे, मैं अगर आपसे कहूँगा कि आपके घर के बाहर जो मीटर लगा होता है जिससे बिजली वाले वो रीडिंग चेक करते हैं आकर के, वो एनर्जी मीटर होता है, तो आप कहेंगे सर हमारे घर के बाहर तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं है, हमारे घर के बाहर दूसरा लगा है। तो हो सकता है आपके घर के बाहर ये वाला लगा हो, है कि नहीं? हो सकता है आपके घर के बाहर ये लगा हो, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये वाला। लेकिन ये डिजिटल एनर्जी मीटर है, और जो पीछे वाला था वो एनालॉग एनर्जी मीटर है। इसमें नंबर चेंज होते हैं, दिखते हैं, बदलते हैं। इसमें एक वो लगा होता है, पूरा स्केल लगी होती है, और इसमें डिजिटल एलईडी स्क्रीन लगी होती है जिस पर कि आप डिजिटल नंबर न्यूमेरिक्स में आपकी वैल्यू को शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है एनर्जी मीटर की डेफिनेशन की। तो एनर्जी मीटर एक ऐसा मेजर इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करता है। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? तो एनर्जी की डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो इलेक्ट्रिकल कार्य करने की क्षमता को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन तो ये हो गई। द एबिलिटी टू डू एन इलेक्ट्रिकल वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिकल पावर मैंने आप लोगों को पढ़ाई लास्ट टॉपिक में, आप लोगों को पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है और उसको किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अब जो आज हम पढ़ेंगे, तो जब हम इलेक्ट्रिकल पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है। फिर से सुन लेना, जब हम इलेक्ट्रिकल पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है। क्लियर है? यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में कहलाता है विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम बात करते हैं इसके यूनिट की। पहले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा E बराबर ये बी आई, उसका होता है क्या, पावर का फॉर्मूला होता है, और इसको टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका एनर्जी का फॉर्मूला। क्या बन जाएगा एनर्जी का फॉर्मूला? बी आई टी, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। अब बात करते हैं इसके यूनिट की। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा?
आपके एनर्जी मीटर पर लिखा भी होता है हमेशा, इसका यूनिट होता है किलो वाट आर। क्या होता है इसका यूनिट? इसका यूनिट होता है किलो वाट आर। किलो वाट आर इसका यूनिट होता है, यानी कि किलो वाट घंटा। देखिए किलो वाट आपका पावर का यूनिट है और आर हमारे पास टाइम का यूनिट है, तो इसीलिए किलो वाट आर इसका एनर्जी का एसआई यूनिट होता है। और एक किलो वाट आर को एक यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। एक किलो वाट आर को एक यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? कोई भी डाउट, कोई शंका, कोई भी आप मेरे से डाउट तुरंत पूछ लेना, मन में मत रखना किसी प्रकार का कोई भी डाउट। तो एक किलो वाट आर को एक यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपके घर पे अगर बिजली वाला या आपके मम्मी पापा या कोई भी कहता है कि इस बार हमने 50 यूनिट खर्च कर दिए, अगर कोई ये कहता है कि इस बार हमने 50 यूनिट बिजली खर्च की है, उसका मतलब होता है कि हमने 50 किलोवाट आर बिजली खर्च की है, यानी कि हमने जो है 50 किलोवाट आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंजप्ट किया है, उसका मतलब होता है ये। कहते हैं ना 50 यूनिट बिजली खर्च करना, मतलब 50 किलोवाट आर बिजली खर्च करना होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बेसिक से कॉन्सेप्ट दो चार जो क्लियर करने थे। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी मीटर को। हमको पढ़ना तो एनर्जी मीटर ही है वैसे। भाई एनर्जी मीटर क्या होता है, वो क्या काम करता है? वो करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर कराने से पहले आपको ये भी तो सीखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती क्या है। तो इसीलिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, बाकी कोई पर्पज नहीं था इन कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के पीछे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं अपने हम। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, अब हम पढ़ेंगे अपने एनर्जी मीटर को। किसको पढ़ेंगे? एनर्जी मीटर को। देखिए एनर्जी मीटर का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात तो एनर्जी मीटर दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। तो एनालॉग अपने आप में कई प्रकार के होते हैं, लेकिन डिजिटल केवल एक ही प्रकार का होता है। एनालॉग अपने आप में कई प्रकार के होते हैं, लेकिन डिजिटल एनर्जी मीटर केवल एक ही प्रकार का होता है। पहले मैं आपको एनालॉग एनर्जी मीटर से रीडिंग कैसे लेते हैं ये सिखा देता हूँ। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एनालॉग है और ये भी एनालॉग है, और ये डिजिटल है और ये भी एनालॉग है। तो हम पहले इस एनालॉग एनर्जी मीटर की वर्किंग को समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहें तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि एनर्जी मीटर को किलोवाट आर मीटर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, एनर्जी मीटर किसको मेजर करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या होता है? किलोवाट घंटा। कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे, आप जितने चाहो उतने बनाना चाहो। ये आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है एनर्जी मीटर एनालॉग वाला, इसके कुछ पार्ट्स के नाम बताता हूँ मैं। ये जो आपको दिख रही है ये, इसको बोलते हैं स्केल। ये है आपका स्केल। ये जो आपको दिख रहा है ये होता है डिस्क। एक एल्यूमिनियम की डिस्क होती है, ये पतली सी डिस्क होती है बिल्कुल। ये इसकी वोल्टेज रेटिंग है, ये इसके स्पेसिफिकेशन से सारे के सारे, ये फ्रीक्वेंसी वगैरह के बारे में, और ये मॉडल नंबर है कंपनी का, सही है। और ये इसकी डेट है कि कब बना है ये, तो 20/8/71 को बनाया शायद ये, या इसका सीरियल नंबर हो सकता है। ठीक है, फिलहाल हम अपने काम की बात करते हैं। तो हमें सबसे ऊपर मिलता है, हमारे पास सबसे पहले मिलता है हमें स्केल। तो इस स्केल की बात करते हैं। तो इस स्केल में जो है हमारे पास रीडिंग होती है, इस स्केल में हमारे पास होती है एनर्जी मीटर की रीडिंग। इधर एनर्जी मीटर में दो इनपुट आते हैं और दो आउटपुट उससे निकल जाते हैं। अगर सिंगल फेज की बात करें तो फेज और न्यूट्रल के दो वायर कनेक्ट होंगे और फेज और न्यूट्रल के दो वायर उससे बाहर निकल जाएंगे। ये होता है आपका एनर्जी मीटर। तो अब ये जो लिखा है 0000.1, ये रेड कलर में है, ये पॉइंट के बाद का हिस्सा। जैसे अगर हमारे पास एनर्जी होती है 21.2, तो 20 बनाएगा इधर और 0.2 आएगा उधर। तो इस तरीके से है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो स्केल में जैसे जैसे रीडिंग, जैसे जैसे हम पावर खर्च करते हैं उसी हिसाब से स्केल में रीडिंग नोट होती रहती है कि हमने इतनी पावर खर्च कर ली इतने टाइम में। तो यदि हम एक किलोवाट पावर को एक घंटे में खर्च करते हैं तो हम एक यूनिट की बिजली खर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। मान लीजिए आपके घर में एक पंखा लगा हुआ है,
तो एक पंखा लगभग 50 वाट का होता है, 50 वाट का होता है। एक पंखा जो होता है वो लगभग 50 वाट का होता है। ये ऐसी चीज है जो आपको किसी बुक में पढ़ने को नहीं मिलेगी, ये केवल आपको किसी टीचर के थ्रू माध्यम से पता लग सकती है, और शायद ही यूट्यूब पे किसी और चैनल पे मिल जाएगा आपको। तो एक पंखा लगभग 50 वाट का होता है, तो 50 वाट के पंखे का हम 1000 वाट खर्च करने हैं। तो यदि हम 50 वाट के पंखे को लगातार 20 घंटे तक चलाएं, 50 वाट के पंखे को, केवल एक 50 वाट के पंखे को अगर हम लगातार 20 घंटे तक चलाएं, तो हमारे पास 1000 वाट हो जाते हैं और घंटे हो जाते हैं। तो 1000 वाट का मतलब 1 किलो वाट, तो कितना हो जाएगा ये, 1 किलो वाट और घंटा। इसका मतलब यहां से हमें ये पता लगा कि यदि हम 50 वाट के एक फैन को कंटिन्यू 20 घंटे तक ऑपरेट कराते हैं, तो हम 1 यूनिट बिजली खर्च करते हैं। फिर से सुन लेना, यदि हम 50 वाट के एक फैन को कंटिन्यू 20 घंटे तक चलाते हैं, तो हम 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी खर्च कर रहे हैं, और 1 यूनिट का प्राइस लगभग 7 या 8 रुपये होता है। तो यदि हम 50 एक पंखे को लगातार 20 घंटे तक चलाएं, तब वो पंखा लगभग 7 या 8 रुपए की बिजली को खर्च करे। समझ में आ गई बात, ये है उसका पर्पस हमारा। इस तरीके से बिजली का बिल निकाला जाता है। यहाँ तो कोई डाउट हो तो आप तुरंत पूछ लो, साथ ही साथ रिप्लाई भी करते रहना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप रोकना मत अपने मन में, तुरंत पूछते रहना। अब ये डिस्क आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो डिस्क आप देख रहे हो, इस डिस्क के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे इधर लिखा है कि सिंगल फेस का है, सिंगल फेस टाइप लिखा है, सिंगल फेस टाइप 220 वोल्ट, तो ये 220 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। ये जो है 220 वोल्ट पर ऑपरेट होता है, और 220 वोल्ट के नीचे को अगर आप देखेंगे तो ये लिखा है कि 600 R/kWh। क्या लिखा है यहाँ पर आप ढंग से देखेंगे, ध्यान से, अगर आपको स्क्रीन पर साफ दिख रहा है तो लिखेगा है 600 R/kWh। इस R का मतलब है रेवोल्यूशन और kWh का मतलब है किलोवाट आर, यानी कि 1 किलोवाट आर में 600 चक्कर लगाती है ये डिस्क। समझ में आई बात, यदि ये डिस्क के 600 चक्कर कंप्लीट हो जाते हैं, यदि इस डिस्क के 600 चक्कर कंप्लीट हो जाते हैं, तो यहाँ पर 1 यूनिट बिजली बढ़ जाएगी, यहाँ पर 1 यूनिट बिजली बढ़ जाएगी, यानी कि हमने 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंजप्ट कर दी। यदि हम हाँ यदि ये डिस्क जो है, अब इस डिस्क का कैसे पता लगाओगे कि कितने चक्कर लगा रही है, तो इस डिस्क पे एक बीच, ये पूरी सफेद होती है, बीच में से कहीं एक जगह से ये काली होती है, तो बस उस काले वाले निशान को आप देखते रहिए कितनी बार आया। 600 बार नहीं देखना है, मतलब ये इस पर लिखा होता है, ये प्रूफ करता है कि ये इतने रेवोल्यूशन लगाती है 1 घंटे में, मतलब 1 यूनिट में। तो 1 यूनिट में ये डिस्क जो 600 रेवोल्यूशन लगाती है। ये जो लिखा है 10 या 20 एम्पियर, ये लिखा है 10-20 एम्पियर, इसका मतलब ये एनर्जी मीटर 10 एम्पियर पर भी काम करेगा और 20 एम्पियर तक काम करेगा। 50 हर्ट्ज की सप्लाई पर ऑपरेट होगा ये एनर्जी मीटर। क्लियर, एनालॉग एनर्जी मीटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इससे रीडिंग लेनी समझ में आ गई, कैसे कैसे लेते हैं। कोई डाउट हो तो बताओ, अगर ये चीज़ समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं हम। जल्दी बताओ, अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो फिर आगे बढ़ते हैं, बताइए जल्दी। अनम भी देखिए, ये एसी और डीसी दोनों पर काम करता है, लेकिन ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये इतना बड़ा बड़ा लिखा है सिंगल फेस टाइप, और सिंगल फेस किस में होता है, सिंगल फेस एसी में होता है।
हमको डीसी की कभी भी एनर्जी को मेजर करना ही नहीं पड़ता है, हमें हमेशा एनर्जी केवल एसी सप्लाई की ही मेजर करनी पड़ती है, इसीलिए इसका डीसी से कोई वास्ता नहीं है। ओके, अब आते हैं, अब हम एक बार जरा डिजिटल एनर्जी मीटर की वर्किंग को भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये आपके घर के बाहर लगा होता है तो आप लोग इसको ज्यादा तवज्जो देंगे समझने के लिए, वो तो आप में से बहुत से लोगों ने देखा भी नहीं होगा। ये वाला जो एनर्जी मीटर आपको अब दिख रहा है, ये आप लोगों को लैब में दिखेगा। तो जब कॉलेज स्कूल खुल जाएंगे लगभग 1 अक्टूबर के बाद से, तब लैब में आपको इसका प्रैक्टिकल करा देंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से एनर्जी मीटर घूमता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये है आपका डिजिटल एनर्जी मीटर, तो ये आपके सामने डिजिटल एनर्जी मीटर आपको दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है, एक बार देखना जरा, ये इसका एलईडी स्क्रीन रहता है जिसपे इसकी वैल्यू को शो किया जाता है। ये इसका सीरियल नंबर हो सकता है और ये इसकी डेट हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट। उसके बाद इस एनर्जी मीटर की एलईडी में बहुत सारी चीज़ें शो होती रहती हैं हमें। ये इसका रेंज है, रेंज लिखा है 5 से 30 एम्पियर तक, तो ये जो है वो 5 से 30 एम्पियर तक वर्क कर सकता है, 5 एम्पियर पे भी और 30 एम्पियर तक वर्क कर सकता है। इसके कनेक्शन किस प्रकार दिए जाते हैं, ये वाले दो टर्मिनल देखो आप, इनको इनपुट दिया जाता है फेज और न्यूट्रल का, और ये वाले दो टर्मिनल देखो आप, इनसे आउटपुट निकाल के हम डिवाइस को दे देते हैं। ये है प्रोसेस। अब ये इसमें एक बटन होता है, प्रेसिंग बटन, मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोगों ने इस बटन को दबाया हुआ, आप में से ज़्यादातर लोगों ने इस बटन को दबाया होगा। ये बटन इस स्केल पर शो की जाने वाली क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल अभी अगर हम देखें तो स्केल पर क्या शो हो रहा है, अभी अगर हम देखते हैं तो स्केल पर लिखा है KWH, ये जो मैंने मार्क किया है इसके बीच में आपको दिख रहा होगा लिखा है KWH, तो KWH का मतलब किलोवाट आर। तो ये जो दिख रहे हैं आपको, ये इतने यूनिट होते हैं, इतने यूनिट होते हैं। फिलहाल इस एनर्जी मीटर में 12,345.6 यूनिट बिजली खर्च हो चुकी है जब से ये लगा है तब से लेकर। इन एनर्जी मीटर्स को कभी भी जीरो नहीं किया जाता, एनर्जी मीटर किसी को भी कभी जीरो नहीं किया जा सकता। तो जैसे मान लीजिए कि इस महीने में इतनी एनर्जी यूनिट आए हैं, अगले महीने में अगर इतने यूनिट आ जाते हैं, जैसे कि 1, 2, 4, 6, 5, अगले महीने में इतने यूनिट, इतने किलोवाट आवर हो जाती है, तो पिछले वाले महीने की जो रीडिंग होगी इस वाले महीने की रीडिंग में से घटा दी जाएगी और पता लगा लिया जाएगा कि आपके इस महीने में कितने यूनिट बिजली खर्च। सुना, ये फंडा होता है पूरा। तो किलोवाट आर जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है, मेजर कर रहा है इसको। जैसे ही आप इस वाले बटन को, ये जो बटन आपको देख रहे होंगे, ये वाला बटन, जैसे ही आप इस वाले बटन को दबाते हो तो इसमें टाइम या डेट शो होने लगता है। फिर आप इसको दोबारा दबाते हो तो इसमें मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू शो होने लगती है। इधर कोने में MD लिखा आता है, इधर कोने में MD वहाँ पे, तो वो उसकी वैल्यू शो होने लगती है। फिर दबाते हो तो फिर दोबारा से ये सब चीज़ें आती रहती हैं। तो ये होता है आपका डिजिटल एनर्जी मीटर। समझ में आ गई बात, डिजिटल एनर्जी मीटर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। कोई डाउट हो तो बताओ इसमें अभी तक का। और बच्चा सब लोग लाइक कर दो यार, बहुत गलत बात है, 33 लोग देख रहे हैं और केवल 13 लाइक्स हैं, वेरी बैड। आप लोग को अच्छी नहीं लग रही वीडियो, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, और अच्छी नहीं लग रही है तो डाउट पूछो। अगर कोई डाउट हो रहा है तो डाउट पूछो, डाउट नहीं हो रहा इसका मतलब सब समझ में आ रहा है, और अगर सब समझ में आ रहा है तो आपका फर्ज बनता लाइक करने का, है कि नहीं। जब डाउट नहीं हो तो आप लाइक करो सब लोग वीडियो को, ठीक है। अगर बाकी में आपको लगता है, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, मेरी आदत नहीं है, आज तक मैंने ना कभी किसी की जबरदस्ती नहीं लाइक नहीं कराया, अगर आपको अच्छी लग रही वीडियो तो आप जरूर लाइक करो, ठीक है। चलिए, अब डिजिटल एनर्जी मीटर की रीडिंग भी लेना सीख गए आप, कैसे कैसे रीडिंग ली जाती हैं और कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं ये भी पता लग गया। हमेशा लेफ्ट साइड के दोनों टर्मिनल्स को इनपुट देते हैं और राइट साइड के दोनों टर्मिनल्स को घर में ले जाते हैं अंदर आउटपुट में, ठीक है। अब आते हैं हम, ये भी समझ में आ गया। अब ये देखो, ये भी एनालॉग एनर्जी मीटर है, लेकिन आप कहेंगे इसमें तो वो डिस्क लगी नहीं है, तो इसमें डिस्क नहीं लगी है, इसमें डिस्क की जगह LED लगी है बस, ठीक है ना। इसमें डिस्क लगी होगी कि अंदर लगी होगी,
क्योंकि एनर्जी मीटर के टाइप होते हैं ना, एनालॉग के भी, एनालॉग के कई टाइप होते हैं, तो हो सकता है ये दूसरे टाइप का हो और वो दूसरे टाइप का हो। डिजिटल के टाइप नहीं होते, डिजिटल तो केवल एक ही टाइप का होता है डिजिटल, लेकिन एनालॉग कई सारे टाइप से होते हैं, ठीक है। नहीं चलिए बढ़ते हैं आगे को। अब हम एनर्जी मीटर नाम का चैप्टर था, वो चैप्टर नंबर 4 है, ध्यान रखिएगा। ये मैं केवल आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ एनर्जी मीटर से, डिटेल में समझाएंगे आपको कल या बाद में लेक्चर में। केवल एक टॉपिक रह गया है उसमें, 2 वोल्टमीटर मेथड से पावर को मेजरमेंट करने का, चैप्टर नंबर 3 में, तो उसको करा देंगे बाद में। अभी तबीयत खराब हो रही है, बाद में करा देंगे उसको। हरिओम राय, यूई की क्लास भी कराएंगे, टेंशन ना लो आप, चिंता ना करो, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, सब लोग लाइक कर दो वीडियो को। एनर्जी मीटर लिखा है इसमें कि किसी सर्किट में कॉन्स्टेंट टाइम में खर्च की गई इलेक्ट्रिकल पावर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहा जाता है, और एनर्जी मीटर वह इंस्ट्रूमेंट है जो एनर्जी को मेजर करता है। एनर्जी मीटर एक इंटीग्रेशन टाइप का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। किस टाइप का? इंटीग्रेशन, यानी कि ये वैल्यू को बढ़ाकर शो करता है, जो किसी लोड द्वारा कुछ समय में ली गई इलेक्ट्रिकल पावर को मेजर करता है। ये फॉर्मूला आपको बताई दिया है कि पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी बन जाएगी, बस काम खत्म। इसका यूनिट भी बता दिया आपको मैंने। एनर्जी मीटर हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एक एसी एनर्जी मीटर या फिर इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, दूसरे होते हैं डीसी एनर्जी मीटर, और कुछ ऐसे भी आते हैं जो एसी और डीसी दोनों पर काम करते हैं, ठीक है। तो जो एनर्जी मीटर हैं उसको हमने 2 टाइप में बांटा है, पहले हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर, दूसरे हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल या इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। तो हम जो पढ़ेंगे पहले इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर को पढ़ेंगे। तो इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर वो है जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाला, ये जो है इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर है, ठीक है। नहीं उसके बाद इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में वर्किंग प्रिंसिपल में 4 पार्ट होते हैं इसके, ड्राइविंग सिस्टम, मूविंग सिस्टम, कंट्रोलिंग सिस्टम और रजिस्टर मैकेनिज्म। ड्राइविंग सिस्टम में डिस्क को मूव कराया जाता है, मतलब घुमाने की कोशिश की जाती है, और मूविंग सिस्टम में उसके जो पॉइंटर्स हैं मूव करते हैं, कंट्रोलिंग, उसको कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड किया जाता है, और रजिस्टर मैकेनिज्म में रिकॉर्ड की जाती है वैल्यू, ठीक है। इनको पढ़ाएंगे डिटेल में कल, आज के लेक्चर में कोई डाउट हो तो बताओ। आज मैंने आपको एनर्जी मीटर का पूरा वर्किंग समझा दिया है, ठीक है। तो अगर आज के लेक्चर में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट, कोई शंका या समाधान होता है, तो आप, हम उसका समाधान करेंगे, पूछ लीजिए आप मुझे तुरंत। उसके बाद लेक्चर होगा आप कल 11 बजे। आज के लेक्चर में तो कोई डाउट नहीं, इतना बता दो जल्दी से बस, कोई भी डाउट हो मैं दोबारा बता दूंगा, टाइम है अभी। कुमारी सपना, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और एक बात का जरा ध्यान रखिएगा सब लोग, ऐसा ना हो कि जितने दिन हम पढ़ा रहे हैं आपको बस उतने दिन ही याद रहे। आपसे अगर मैं 10 दिन बाद भी पूछूं तब भी आपको आंसर पता होना चाहिए, अगर आपसे हम 50 दिन बाद भी पूछे तब भी आपको पता होना चाहिए किस तरीके से मेजर करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप समय एग्जैक्ट थ्योरी सुनूंगा ना, लेकिन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। मैं कभी भी, मेरा पर्पस कभी भी ये नहीं रहता कि मैं आपसे बहुत लंबी लंबी थ्योरी सुनूंगा ना, ऐसी कोई बात ना है, मेरा थ्योरी सुनने का आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको जिस प्रकार की वर्किंग मैं समझा रहा हूँ कम से कम आपको उस प्रकार की वर्किंग तो पता हो करना, वर्किंग तो कम से कम करनी आनी चाहिए आपको कि कैसे क्या काम करता है, कैसे कैसे करता है, मेजर कैसे कैसे करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमेशा याद रखना, वोल्ट मीटर की, एमीटर की, वोल्ट मीटर की, और आज एनर्जी मीटर का ही बता दिया है। बाकी थ्योरी तो केवल एग्जाम के लिए होती है, अगर किसी को समझाना पड़ गया तो यही सब चीज़ समझाते हैं हम, लेकिन एग्जाम में तो अगर थ्योरी लिखकर नहीं पड़ती है प्रॉपर सिक्वेंस में, लेकिन किसी को समझाते टाइम वो थ्योरी से काम नहीं आता। हमेशा किसी इंसान को ऐसे समझाओ, कोई भी टॉपिक आपको इतना अच्छा क्लियर होना चाहिए कि एक आम आदमी भी उस टॉपिक को अच्छे से समझ सके। जब आप उसको बताते हो तो एक आम इंसान भी समझ सके। अगर आप इस लेवल की थिंकिंग, आप अगर आप इस लेवल की स्किल्स रखते हो तभी आप कामयाब हो, ठीक है बच्चा। अब मिलेंगे 11 बजे कल को, तब तक के लिए आप मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहो और देखते रहो हमारा चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी। लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना जो भी कोई इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर में आया हो सब लोगों से, क्योंकि वीडियो आप काम का है कि नहीं है ये बात आप खुद डिसाइड कर सकते हो, मेरे कहने की जरूरत नहीं। चलिए कल 11 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।